तो ब्रेक के बाद स्वागत है। इसी बीच आपको बता दें, शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी पारा पूरी तरह से हाई है, चढ़ा हुआ है और चुनाव प्रचार 30 अप्रैल को थम जाएगा। प्रत्याशियों के पास जनता का भरोसा जीतने के लिए सिर्फ 23 दिन का समय है और इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोनों मजबूत कैंडिडेट के साथ चुनावी रण में उतरेंगी। हालांकि अभी तक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नामों को सार्वजनिक नहीं किया है। तो आपको बताना चाहेंगे कि शिमला नगर निगम चुनाव के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, वहीं आपका रण में उतरना मुश्किल नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं चुनावी बिगुल बज चुका है, मैदान में सभी सियासी पार्टियां उतरने के लिए तैयार हैं। और इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता देवेंद्र बुशहरी। तो देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। देवेंद्र जी, चुनावी बिगुल बज चुका है, क्या कुछ तैयारियां इस बार रहने वाली हैं कांग्रेस की? देखिए, तैयारियां तो हमारी पहले भी तैयारी थी, हम अभी भी तैयार है, क्योंकि हाल ही में हमारी सरकार 3 महीने पहले प्रदेश में बनी है जी। लोगों ने जो बहुमत जनमत कांग्रेस पार्टी को दिया है जी। मुझे आशा और पूरी उम्मीद है कि जनमत हमको जो है कांग्रेस चुनाव में मिलने वाला है जी। जी देवेंद्र जी, लेकिन देखने को मिल रहा है कि शिमला नगर निगम में कांग्रेस 10 साल सत्ता से दूर रही है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए ये जो चुनाव होने वाला है वो किसी अग्नि परीक्षा से कम बिल्कुल नहीं है। देखिए, आप एक बात अब मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पवार यहाँ से विधायक रहे हैं जी, तो इस बार कांग्रेस में उनसे जो है ये सीट छीनी है और अच्छे मार्जिन से पहली बार कांग्रेस पार्टी शिमला से चुनाव जीती है जी। और 7 लाख का जो चुनाव क्षेत्र है वो सुमटी का चुनाव क्षेत्र है, 12 वार्ड उस चुनाव क्षेत्र में है महापुरुषों के, और वहाँ भी कांग्रेस पार्टी का एस्टेब्लिश विधायक है, दो बार जो है वहाँ तीन बार जो है चुनाव जीत चुके हैं, और उनके साथ लगता ग्रामीण शिमला ग्रामीण का 4 वार्ड का जो क्षेत्र है वो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड है, वहाँ से भी जो है कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, तो 2 बार जो है वो चुनाव जीते और मैं समझ की कोई कारण बने कि शिमला में जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव कांग्रेस जीत पाए। इससे पहले कोई ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 5 वर्ष का शासन रहा है उसके विरोध में लोगों ने प्रदेश में मत दिया, और निश्चित रूप से जो है शिमला कॉर्पोरेशन चुनाव में भी सब कुछ होने वाला है। हम आश्वस्त हैं कि शिमला नगर निगम का चुनाव कांग्रेस पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीते। बिल्कुल, आपको सुनेंगे। और इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं करण नंदा, बीजेपी प्रवक्ता। तो करण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल करण जी, तो जैसा कि देवेंद्र बुशहरी जी का कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है शिमला नगर निगम चुनाव के लिए, बीजेपी की क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है इस चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता राजनीतिक आधारित दल है जी, और हर बूथ पे हमारे पास जो है वो 15 से लेकर 30 कार्यकर्ता जो है वो एक्टिव है जी, और हमारे यहाँ पे जो प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं जी, वो चौधरी जी हैं, और उनके साथ सुरेश भारद्वाज जी, संजय सूद जी, रवि मेहता जी, ऐसे बड़े नाम जुड़े हैं, और प्रदेश स्तर से जो है जयराम ठाकुर जी खुद जो है वो शिमला में जो है वो उनकी कोठी भी है जी, और साथ में अनेक मंत्री जो है वो इस चुनाव में लगे हैं। अभी वर्तमान में हमने वार्ड के प्रभारियों की नियुक्ति की है जो कि विधायक और पूर्व मंत्री लेवल के है, सह प्रभारियों की नियुक्ति की है जिसमें प्रदेश के कार्यकर्ता है, और साथ में वार्ड नियुक्ति की है जो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता है। हमारी वार्डों की बैठकों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और वहां से संगठन को नाम भी जा चुके हैं कि कौन प्रभावशाली वहां से जो है वो निष्कासित हो सकते हैं, और बड़ी जल्दी कोर्ट का फैसला आरक्षित है। जैसे ही कोर्ट का फैसला जो है वो पब्लिक हो जाएगा, हम उसके बाद जो है तुरंत अपने कैंडिडेट की घोषणा करेंगे। बाकी कांग्रेस ने जो है वो पूरी जीत के लिए हथकंडे अपनाए हैं, उसका सामना हम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत वार्ड वोट्स ऐसे बनाए हैं जो यहाँ पे वैलिड नहीं है, और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं भय किया है कि वो जीतेंगे या हारेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2017 की वोटर लिस्ट के बजाय उनको 2022 की वोटर लिस्ट का चयन करना चाहिए था, जिसमें जो है अभी विधानसभा चुनाव हुआ था, और इनके अंदर भय है इसलिए इन्होंने 2017 की वोट लिस्ट का जो है वो
इन्होंने उपयोग किया है चुनावों के अंदर। और अगर आप देखेंगे रोस्टर को भी जो है अपने सुविधा के हिसाब से इन्होंने बदलाव किया है, ठीक है, तो ये अटकल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड रहने वाला है। ठीक है करण जी, सुनेंगे आपको। और इस बीच रुक कर लेते हैं, सीपीआईएम नेता विजेंद्र मेहरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विजेंद्र जी, आपका भी जनता टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र जी, दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को आपने सुना, कांग्रेस की भी तैयारी पूरी है, बीजेपी भी दमखम से जुटी हुई है इस निगम चुनाव के लिए, सीपीआईएम की क्या कुछ तैयारी रहने वाली है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पर जो भाजपा की जो नगर निगम थी और अभी वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, उसके जो फेलियर्स हैं, उसकी जो विफलताएं हैं, उसको आधार बनाकर और पिछले 5 वर्षों में जो लगातार धरातल पर सीपीआईएम ने काम किया है वार्ड के अंदर लोगों के मुद्दों को उठाने से लेकर उनकी रोजमर्रा की दिक्कतों के लिए हमेशा खड़े रहने का जो काम किया है, चाहे वो छात्रों के फीसों का सवाल रहा हो, चाहे वो शहर के अंदर पानी का सवाल रहा हो, कूड़े का सवाल रहा हो, यातायात सुविधा का सवाल रहा हो, बिजली का सवाल रहा हो, चाहे वो कर्मचारियों के मुद्दे रहे हों, मजदूरों के मुद्दे रहे हों, स्थानीय जनता के मुद्दे रहे हों, रोजमर्रा के जो उनकी दिक्कतें हैं उनके मुद्दे रहे हों, उनको आधार बनाकर जो हम चुनाव लड़ेंगे। और जो पिछले 5 साल की जो भाजपा की जो नगर निगम थी, सबने देखा ये सबसे बड़ा फेलियर है, ये इतिहास में दर्ज हो गई ये बात कि ये जो नगर निगम थी, इस नगर निगम ने कोई काम नहीं किया सिवाय इस बात के कि पूरा भ्रष्टाचार हुआ। कभी आपने सुना है कि जंगल के अंदर गमले लगते हैं, करोड़ों रुपए के गमले जो जंगल के अंदर इनकी नगर निगम ने लगा दिए। शिमला में तो वैसे ही हरियाली है, बहुत सारे पेड़ है, उसके ऊपर भी जंगल में जो है गमलों में पेड़ लगा दिए, पौधे लगा दिए, तो उन पौधों में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इन्होंने किया। शिमला शहर के अंदर आप अगर जाकर देखेंगे तो क्या हो रहा है, शिमला कितना खूबसूरत शहर है, शिमला के अंदर जो है पूरा इन्होंने लोहे के ये कंक्रीट खड़ा कर दिया, पूरा शिमला का सत्यानाश कर दिया, स्मार्ट सिटी का पैसा, स्मार्ट सिटी के लिए हम हाई कोर्ट गए थे, सीपीआईएम हाई कोर्ट गई थी, तब स्मार्ट सिटी हम लेकर आए थे। उस वक्त जो है धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बना दिया गया था, हमारा दावा ये था कि शिमला भी बननी चाहिए राजधानी होने के नाते, और माननीय हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, उसके बाद जो है ये स्मार्ट सिटी शिमला बना, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग हुआ, अमृत के पैसे का दुरुपयोग हुआ। तो ये भाजपा को तो पूरा कार्यकाल विफलता का रहा, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई ये भी उस तरीके से काम नहीं कर रही है, और आप देख सकते हैं शिमला के अंदर कोई एक इंच का काम जो है कांग्रेस सरकार ने भी नहीं किया है। तो इन दोनों पार्टियों की जो विफलताएं हैं, और जो 2012-17 तक जो सीपीआईएम की नगर निगम थी जिसमें मेयर डिप्टी मेयर हमारे गए थे, उस वक्त जो हजारों करोड़ रुपया जो यहाँ पर आया, विजेंद्र जी सुनेंगे आपको, विजेंद्र जी सुनेंगे। करण नंदा जी, जैसा कि विजेंद्र जी ने तमाम आरोप लगाए हैं कि बीजेपी की सरकार में 5 साल भ्रष्टाचार हुआ है, सत्यानाश हुआ है, ऐसे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना और हम डट के सामना कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उल्टा जो है यहाँ पे जो है विकास के कार्य हुए हैं, प्रगति के कार्य हुए हैं। जिस प्रकार देखिए काम जो हमारी सरकार है, उन्होंने बड़ी जद्दोजहद के बाद हिमाचल प्रदेश में जो है शिमला को स्मार्ट सिटी के रूप में बनाया था, और इसकी जो लड़ाई है वो हाई कोर्ट से लेके दिल्ली तक लड़ी गई थी, और उसके बाद जो है वो शिमला को स्मार्ट सिटी ही मिली। उसके अंतर्गत बहुत काम हुए हैं, रोड एक्सटेंशन के काम हुए हैं और अनेकों प्रोजेक्ट जो है वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मिले, जिसकी संख्या जो है वो अगर 200 करोड़ की लागत अभी तो हो चुकी है शिमला शहर के अंदर, अनेकों जो है वो इसका प्रयोग हुआ है, अनेकों जो है वॉकिंग रैंप्स मिले हैं और बहुत सारी चीजें जो है यहाँ तक आज पेडेस्ट्रियन के लिए अगर किसने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे काफी काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ठीक है, ठीक है। देवेंद्र जी, जिस तरह से करण जी ने कहा कि 5 साल में हमने बहुत काम किया है, हम आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं, वहीं सीपीआईएम नेता का कहना है कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है और कांग्रेस ने भी सत्ता में आने के बाद कुछ खास कमाल करके नहीं दिखाया है, इस पे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, सीपीआईएम ने जो बात कही है उस पे मैं कुछ हद तक जो है सहमत हूँ, क्योंकि मैं बीजेपी के लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर बीजेपी ने 5 वर्ष शिमला में काम किया होता तो जो इसके लिए जवाबदेही जिनकी बनती थी उसको इन्होंने यहां से उम्मीदवार ही नहीं बनाया, यहां से बदल कर सोटी भेज दिया, चाहे सबसे पहले तो ये स्पष्ट करें। दूसरा ये है कि उसके बाद कांग्रेस ने ये सीट जीती, और अगर बीजेपी ने काम किया होता जिस प्रकार का दावा ये लोग कर रहे हैं तो यहां से बीजेपी क्यों चुनाव जीत पाई? कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को ब्रेथ भी केवल 3 महीने हुए, आप आगे देखिए, आप 1 वर्ष के बाद हमसे पूछ सकते हैं कि भी हिमाचल प्रदेश में विकास की दृष्टि से जो हमने वायदे लोगों से किए हैं, अभी तो 3 महीने हुए, 3 महीने में ही भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के बगैर जो बौखलाहट है
वो इनकी नजर आ रही है। जो पिछले विधानसभा में इन्होंने जो है अनावश्यक रूप से जो है वो वॉकआउट अननेसेसरी जो है वो करते रहे, उससे स्पष्ट होता है कि ये सत्ता के बगैर नहीं रह सकते। जो ये इनका नारा था बार के भाई कुछ नया रिवाज बदलेगा, तो नया रिवाज लोगों ने बदला नहीं, इसलिए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बदल दिया। इसका मतलब ये है कि 5 वर्ष में जो इनकी नाकामियां रही है उस पर शिमला की जनता ने मोहर लगाई है। तो यही निश्चित रूप से हम अभी कॉरपोरेशन के चुनाव में भी होने वाला है, क्योंकि कॉरपोरेशन के चुनाव में भी जो स्मार्ट सिटी का मुद्दा है, दूसरे कोई ऐसे इश्यूज हैं, उस पर भी हम जो है गहन विचार कर रहे हैं कि जिस तरह का जो भ्रष्टाचार के आरोप उस पर भी लगे हैं, उस पर उसकी इंक्वायरी जल्दी होने वाली है। जो चीजें स्पष्ट हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, उससे भी भारतीय जनता पार्टी घिरने वाली है। ठीक है, तो विजयेंद्र जी, दोनों ही प्रवक्ताओं की बातों को आपने सुना, आपकी क्या कुछ राय, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे भाजपा के प्रवक्ता की राय थोड़ी मुझे हास्यास्पद लग रही थी। बात वो कह रहे थे कि स्मार्ट सिटी के मसले को लेकर वो हाई कोर्ट गए, उनको मालूम ही नहीं है, उनको रिसर्च करके आना चाहिए, उनको इस बात का पूरी जानकारी है। यहाँ सफेद झूठ बोलने से थोड़ी कुछ होगा। कौन गया हाई कोर्ट के अंदर? हमारी कॉरपोरेशन गई ना, हमारे कॉरपोरेशन के चुने हुए लोग गए ना। इनकी सरकार थी केंद्र में और प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार थी, दोनों ने मिलकर गड़बड़ किया और स्मार्ट सिटी छीन ली शिमला से। तब माननीय उच्च न्यायालय में हमें जाना पड़ा, वहां मुकदमा करना पड़ा। माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को रेखांकित किया कि शिमला का हक बनता है और उसके बाद स्मार्ट सिटी आई। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि शिमला के अंदर 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा छोड़कर जो है CPIM की नगर निगम गई थी उस वक्त, लेकिन आज स्थिति क्या पहुंच गई? आज स्थिति ये है कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने, विकास के कार्य रुके हुए हैं। स्मार्ट सिटी में सिर्फ जो है आप जंगले लगा के, सिर्फ जो है लोहे के स्ट्रक्चर खड़े करके और जंगलों में गमले लगाकर अगर आप कह रहे हैं आपने विकास कर दिया, स्ट्रीट लाइट कहाँ है शिमला के अंदर? आज भी शिमला के अंदर जो है रात को 10 बजे के बाद बसें कहाँ चलती हैं? आज भी शिमला में सुबह करण जी एक लाइन में आपकी प्रतिक्रिया। करण जी समय कम है, एक लाइन में आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, हमारा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता की लहर है और जो हमारा चुनाव होने वाला है उसमें सभी वार्डों में जो है बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को पक्ष मिलने वाला है। ठीक है, और अगली बड़ी सीट जो है कॉर्पोरेशन भारतीय जनता पार्टी की बनाएगी। ठीक है, तो तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं ने तमाम बातें कही हैं और उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा और ये दिखाने की कोशिश की कि आगामी चुनाव के लिए सभी पार्टियां दमखम से जुटी हुई हैं। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।